नमस्कार, मेरा नाम भारती मालवा कुमार है। मैं आपकी तरह एक उद्यमी हूँ, वुमन एंटरप्रेन्योर। मेरी सफ़र 28 साल पहले चालू हुई थी, जब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती थी। वहाँ पर मैं सेल्स का काम करती थी, डिज़ाइनिंग का काम करती थी, और इस एक्सपीरियंस से मेरे को पता चला कि पैकेजिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए। 10 साल पहले मैंने एक दुकान खोला मारगांव गोवा में। वहाँ पर हम सब हाथ के काम का प्रमोशन करते हैं। पूरे भारतवर्ष से हम शिल्पीकार और दस्तकार के हाथ के बनाए हुए सामान लेकर उनका नाम रोशन करते हैं और बेचते हैं। उसके अलावा हम सब एनजीओ, वुमन एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेस्टिट्यूट वीमेंस ग्रुप से सामान बना के वो भी बेचते हैं। हमारी बाउंड्रीज अभी इंडिया तक नहीं रही है, पूरी दुनिया में हम अपना सामान सप्लाई करते हैं और उनको दिखाते हैं कि हमारे देश से क्या क्या सामान बन के और कितनी सुंदर तरीक़े से बन के, इतनी सुंदर तरीक़े से पैकेजिंग होके हम सब जगह शिपमेंट करते हैं और अपने देश की नाम और उनके हाथ से बनाए हुए सामान का नाम रोशन करते हैं। यह दुकान के थ्रू मुझे बहुत ही एक्सपीरियंसेस है कि हम अपना सामान कैसे बनाएं और कैसे पैकेजिंग करें। इस नॉलेज को लेके मैं आपके साथ मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपका भी प्रोडक्ट पूरे दुनिया में और हमारे देश में फैले और सब आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें, और हम आपको थोड़े टिप्स देंगे पैकेजिंग पर। आज मैं आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग का महत्व बताना चाहती हूँ। प्रोडक्ट का पैकेजिंग आपकी कला का की प्रतिनिधि है और कस्टमर को ख़रीदने की का फैसला आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग ही बनाता है और उनके मन में ऐसी भावना जागृत करता है कि उनका मन उत्सुक हो जाता है ख़रीदने के लिए। उसके लिए पैकेजिंग का महत्व बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट सुंदर है और आपका पैकेजिंग अगर सुंदर नहीं है तो वो कभी नहीं बिकेगा। तो मैं आपको टिप्स देती हूँ कि आपकी पैकेजिंग आप कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और सुंदर भी बना सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं हमारे आसपास, हमारे आंगन में क्या हमें मिलता है गोवा में रह के। हमारे यहाँ पाम ट्रीज़ हैं, सुंदर फूल हैं, पत्ते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ न्यूज़पेपर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये सब हम आपके प्रोडक्शन में और पैकेजिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले एग्जांपल, अगर आपको एक तोहफा मिले, आप उसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है उसमें क्या है? चलो खोलते हैं, उसको देखते हैं। वो फीलिंग हमें अपने कस्टमर में जागृत करना है कि जब वो आपका सामान लेते हैं और उसका पैकेजिंग देखते हैं, उसमें क्या है, उनके मन में वो जो खुशी होती है वो हमें जागृत करना है ताकि वो और लें। तो पैकेजिंग आपका ऐसा होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर को याद रहना चाहिए वो आपका प्रोडक्ट है। कलर्स ऐसे होने चाहिए कि उनको पता चले अरे ये आपका प्रोडक्ट है, और उन आपका नाम भी होना चाहिए उसमें ताकि उसको पता चले कि आपका प्रोडक्ट है। इस एग्जांपल लीजिए मेरी दुकान टुक टुक का। हम अगर एक आपने मेरे साथ एक ऑर्डर प्लेस किया तो हम लोग प्रोडक्ट को लेते हैं, उसको बांधते हैं, अपना ब्रांड का स्टिकर लगाते हैं, फिर हम शिपमेंट करते हैं ताकि जब भी उनको मिले या वो किसी को दें उनको पता चले कि ये सुंदर सा डब्बा टुक टुक से आया है। वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कल कोकोनट लड्डू बना रहे हैं, कोकोनट लड्डू इतना कॉमन प्रोडक्ट है कि सब लोग बनाते हैं, वो कॉमन प्रोडक्ट को आप स्पेशल कैसे बना सकते हैं, आप हाउ उसको स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं दूसरे कोकोनट लड्डू ब्रांड से, दूसरे लेडीज से जो वही ब्रांड बनाते हैं। मैं क्या करती, मैं वो कोकोनट लड्डू लेती और अपने आसपास देखती कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ उनको पैकेजिंग करने के लिए। गोवा में रह के मैं यूज़ करती पाम लीव्स, बनाना लीव्स,
वो सब पत्ते लेके मैं अपना पैकेजिंग करती। कोविड के माहौल में कोई भी नहीं चाहता कोई कोई पैकेज खुला हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर में उसके वो गंदा हो, तो सब लोग चाहते हैं कि पैकेजिंग पूरा कवर्ड हो। तो मैं अपने कोकोनट लड्डू कैसे पैक करती, मैं बनाना लीव्स लेती, कोकोनट लड्डू को उसमें डालती, उसको कवर करती और उसके साथ एक फूल लेती अपने बैकयार्ड से, अपने गार्डन से, और उसके ऊपर लगाती। अगर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं तो एक छोटा धन्यवाद देव बोरे करूँ या धन्यवाद लिखते उसमें मेरे से लड्डू लेने के लिए, और आपका फ़ोन नंबर लिखते उसमें अगर उनको वापस ऑर्डर देना है। अगर वो उसने वो लड्डू लिए हैं किसी दोस्त को देने के लिए, वो आपको फ़ोन करके वो आपसे फिर से ऑर्डर प्लेस करें। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप कुछ भी पैकेजिंग करते हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम ज़रूर लिखिएगा एक छोटे कागज़ पे और उसमें चिपकाइएगा, ताकि जहाँ भी वो पैकेज जाए वो लड्डू के, सबको पता है किसने बनाया है। जैसे मेरा नाम भारती है, भारती ने बनाया है, भारती का कंपनी का नाम क्या है, टुक टुक, टुक टुक ने बनाया है, और ये इनका नंबर है, तो वो वापस आएंगे मेरे पास लेने के लिए। जब आप अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, आप एक चीज़ ना भूलिए कॉस्टिंग में, वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग का कॉस्टिंग ज़रूर जोड़िएगा, पर इतना नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्राइसिंग है, आपका जो कॉस्टिंग है एक सामान का, वो इतना हो जाए कि कोई ख़रीद ना सके। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पैकेजिंग का कॉस्ट इको फ्रेंडली होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दो शब्द हैं, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल। इसका मतलब क्या है? इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि हम वो सामान यूज़ करें कि यह हमारी दुनिया में और वेस्ट ना हो। आज प्लास्टिक ने हमारे पूरे दुनिया में नाक में दम कर रखा है। हमारे नदियाँ, हमारे समुद्र सब में प्लास्टिक ही प्लास्टिक भर चुके हैं, पर हम ये छोटे छोटे स्टेप से हम इंश्योर कर सकते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल फिर से ना हो। आप मेरे को ये पूछ सकते हैं कि अरे मेरा तो टेरिकोटा का सामान है, अगर मैंने प्लास्टिक में ना बांधा जब तक कस्टमर तक पहुंचता है वो तो टूट जाएगा। नहीं, वो सही बात नहीं है। हम और क्या यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक को छोड़ के? हमको यूज़ करना चाहिए खबर कागज़, न्यूज़पेपर, हे जो हम यूज़ करते हैं, हमें मिलता है जो हमारी हमारी फील्ड से, उसको सुखा के हम उसमें रैप कर सकते हैं ताकि वो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली हो। मैं बोलती हूँ जहाँ पर आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ मत यूज़ करिए। न्यूज़पेपर यूज़ करिए, आपका स्ट्रॉ यूज़ करिए, हे यूज़ करिए, जो हम लोग उसमें बांध के किसी चीज़ को शिपमेंट कर सकें, ताकि हमारा सामान एकदम सही तरीके से हमारे कस्टमर के पास पहुँचे, वो टूटे ना और पैकेज सही रहे। चलिए, हम अभी दिवाली आ रही है, तो हम अगर दिया बनाएं तो दिया कैसे हम पैकेज कर सकते हैं? फर्स्ट चीज़ आता है बबल रैप लो, उसको पैक करो और कस्टमर को दो। नहीं, दिया बनाइए, न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर में पैक करिए, फिर उसको या आप हमारे हे में पैक करिए और उसको फिर एक डब्बे में याद पैक करिए और उनको दीजिए। डब्बा खरीदिए मत, इतने डब्बे मिलते हैं, आपके किनारी के दुकान में जाइए, वहाँ पर देखिए उनके यहाँ कार्टन्स जो आते हैं, उनके कार्टन लीजिए, उनको काटिए, बनाइए और उसमें पैकेजिंग करिए और उसके ऊपर अपना नाम लिखिए, आपका फ़ोन नंबर लिखिए। और अगर आपके बारे में कहानी है, आपके बिजनेस के बारे में, अगर आपका खानदान चलाता है, आपने चालू किया है, उसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी लिखिए। सबको अच्छा लगता है आपके बारे में जानने के लिए कि आपने बनाया है, आपके फैमिली बिजनेस ने बनाया है, आपने हाथ से बनाया है, एंड इट इज़ प्राउडली मेड इन इंडिया, वो भी ज़रूर लिखिएगा। वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आपके स्टोरी लिखिए पैकेज पर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप एक सामग्री बनाते हैं, एक आपका ये कला है, वो उस कला और वो सामग्री आप कैसे शोकेस कर सकते हैं, वो कैसे आप उनको दिखा सकते हैं कि क्या है, कैसा बना है और कौन से रंगों से बना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपने ये वर्ड अपसाइकल जरूर सुना होगा, पर ये शब्द हमारे लिए नया नहीं है। हमारी नेचर में ही है कि हम सब कुछ अपसाइकल करते हैं। हम इंडियंस अगर जैम खरीदें तो हम वो ही ख़त्म करके वही बोतल में हम दाल भरते हैं और हम अपने अपने किचन में रखते हैं। वही तरीका हमें अपने बिजनेस प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे देखिए कपड़े, अगर हमारी माँ साड़ी पहनती है या हम साड़ी पहनते हैं, हम पुराने साड़ी से क्या करते हैं? हम पुराने साड़ी को कैसे कंबल बनाते हैं, हम पुराने साड़ियों से बैग बनाते हैं। देखिए बैग बनाते हैं, बट पुराने साड़ियों को पैकेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? बैग बना के उनको गिफ्ट रैप करके। तो पुरानी साड़ियों से खाली बैग नहीं बनते, जैसे हम लोग पेपर लेके गिफ्ट रैपिंग करते हैं, वैसे साड़ी को लेके आप पैकेज कर सकते हैं। और वो बहुत ही सुंदर और सस्ता तरीका है हमारे पैकेजिंग करने के लिए। और वो फैब्रिक के साथ आप बहुत चीज़ कर सकते हैं, उससे फूल बना सकते हैं, वो उसे रैपिंग पेपर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके सपोजिंग टेरिकॉटा दिया है, उसमें बांध के उसको डब्बा में डाल सकते हैं। तो फैब्रिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी पैकेजिंग के लिए। मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दो तीन चीज़ हमें याद करना पड़ेगा। एक, पैकेजिंग हमारा कला की प्रतिनिधि है, कस्टमर को हमारी ओर खींचता है और कस्टमर हमारा पैकेजिंग देख के उनके मन में खुशी होती है और वो फिर खरीदते हैं। तो ये तीन चीज़ आप हर एक बार याद रखिएगा कि अगर आपका पैकेजिंग सुंदर है, कस्टमर आपकी कला के बारे में जानेंगे और फिर उनके मन में खुशी होएगी और फिर आपका वो सामान लेंगे। तो ये तीन चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा पैकेजिंग के बारे में, उसको कभी भी इग्नोर मत करिए। सेकेंडली, जब भी आप अपना कॉस्टिंग करेंगे, पैकेजिंग को लो कॉस्ट रखिए, पैकेजिंग को इम्पोर्टेंस दीजिए और पैकेजिंग को देखिए ताकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के यहाँ ठीक तरह से पहुँचे और टूटे ना और सुंदर तरीक़ा से पहुँचे। तो दो तीन चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग यूज़ करना चाहिए, अपसाइक्लिंग करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा महंगा नहीं है और आपके कॉस्टिंग को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। और ट्राई करिए आपका पैकेजिंग आपके लिए फ्री हो बट सुंदर हो। बहुत खुशी हूँ कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आप सब लोगों से बात करने के लिए। जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आज, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप के व्यापार में आप उपयोग कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स और अपने पैकेजिंग इतनी सुंदर बना सकते हैं कि आपका सेल दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा और आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।